तो कल के लेक्चर हम लोग डिस्कस कर रहे थे मोल के बारे में। तो क्लियर है मोल एक सिंपल सा क्वांटिटी यूनिट है, जिसका मतलब कितने होते हैं, सिक्स पार्टिकल होंगे एग्जैक्ट वैल्यू तो 6 × 10⁻²। जब 6 × 10⁻²³ पार्टिकल को आपस में मर्ज कर दोगे तो जो क्वांटिटी आएगा उसी को हम क्या बोलेंगे, वन मोल। जैसे कि एक दर्जन कितने पीस होते हैं, 12 पीस होते हैं। एक दर्जन की बात करें तो कितने पीस होते हैं, टोटल 12 पीस होते हैं। तो वैसे वन मोल की अगर बात करें तो टोटल कितने पीस होंगे, 6 पीस होंगे। कितने पीसेस होंगे, 6, लेकिन साथ में 10⁻²। अब एग्जैक्ट डेफिनेशन बोला जाता था क्या होता है, द टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल इन 12 ग्राम, कितने 12 ग्राम में ऑफ कार्बन 12 एलिमेंट कॉल्ड वन मोल एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एवोगाड्रो नंबर। यही जब बताए थे पिछले लेक्चर में हम। यस सर। अब देखे थे कैलकुलेशन फॉर्मूला, देखे थे कैलकुलेशन ऑफ मोल। तो कौन कौन से फॉर्मूले थे भाई, एक बार रिवाइज कर लेते हैं देन क्वेश्चन करते हैं। फिर कैलकुलेशन ऑफ मोल, तो फर्स्ट फॉर्मूला था मोल, अगर वेट गिवन है तो W अपॉन M। W किस में होती है, इन ग्राम। गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास या फिर एटॉमिक मास। सेकेंड फॉर्मूला क्या था, गिवन वॉल्यूम। गिवन वॉल्यूम ml में तो किससे डिवाइड करोगे, 2 to 400 से, या फिर लीटर में तो इन लीटर डिवाइडेड बाय 22.4। और एक लास्ट थर्ड था पार्टिकल, तो कैसे निकाला जाता है, नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाय व्हाट, एवोगाड्रो नंबर। एग्जैक्ट में लिखना है तो 6.022। तो ये तीन फॉर्मूले से इन्हीं साथ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नोट करो फर्स्ट, फाइंड आउट द नंबर ऑफ मोल इन गिवन क्वांटिटी। फाइंड आउट द नंबर ऑफ मोल इन गिवन क्वांटिटी, 4.8 ग्राम ऑफ O3 सेकेंड, 4.6 ग्राम ऑफ C2H5OH इथाइल अल्कोहल, 17 ग्राम 1.7 ग्राम करना ऑफ अमोनिया, 2.24 ml ऑफ H2 गैस, 22.4 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ हीलियम गैस, 1.204 × 10³³ एटम ऑफ नियॉन। करो जल्दी से इसको क्वेश्चन, कौन सा बेटा, थर्ड वाला, 1.7 ग्राम ऑफ अमोनिया, क्वेश्चन नोट कर लो। तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या गिवन है भाई, वेट गिवन है, तो क्या करोगे, मोल इक्वल टू वेट अपॉन मास। हाँ, तो वेट कितना है, 4.8 ग्राम। मास कितना होता है, O3 का मॉलिक्यूलर मास
48. वेरी गुड. पॉइंट वन आया होगा फिर. यस सर. फिर से वेट गिवन है 4.6. एथाइल कॉल का मास कितना होता है? गिवन वेट अपर मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? एथाइल कॉल का मॉलिक्यूलर मास 46. सिंपल सा कैलकुलेशन दिए हैं इस बार हमने. 1.7 ग्राम ऑफ अमोनिया, तो गिवन वेट 1.7, अमोनिया का वेट 70, मॉलिक्यूलर मास तो कितना आएगा अगेन 0.1. तो क्या है 2.24 ml ऑफ H2 गैस. तो वॉल्यूम गिवन है तब क्या करोगे? टू पॉइंट टू फोर डिवाइडेड बाय 2 to 400 ml में है ना. ml में है तो 2 to 400 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा भाई? 0.001. डिवाइडेड बाय कितना है भाई? उसके बाद फिफ्थ वाले में बोलो इसका 0.2, 0.1 और डिवाइडेड बाय 1000. 0.001 आना चाहिए ना. यस. फिफ्थ वाले का बताओ क्या किया. सेम वही क्वेश्चन है. सेम ही आंसर आ रहा. फिफ्थ वाला कितना होगा? किसे डिवाइड करोगे जल्दी बोलो. वेटिंग में अभी 2-4 लोग हैं उनको ले लेते हैं क्लास में. सर फोर्थ का क्या लिखा आंसर? बेटा किसी का माइक कर रहा है उसके यहाँ से फैन का आवाज आ रहा है. माइक ऑफ कर लो. चेक करो अपना आंसर. फर्स्ट में 0.1, सेकंड में 0.1, थर्ड में अगेन 0.1, उसके बाद फोर्थ वाले में 0.3 times 0 देन 1, फिफ्थ वाले में 0.2 times 0 1 और सिक्स वाले में 0.2. आ रहा सभी का आंसर? यस. और किसी को कोई डाउट है? फिफ्थ वाले में एक को डाउट था कैसे निकला. तो भैया वहां लिखा है एटम, दो एटम, चार एटम, ये नंबर होता है या वेट होता है या एमएल होता है? कोई बोलेगा तुम्हारे पास यहाँ पे दो पीस है, यहाँ चार पीस है, यहाँ पांच पीस है, तो वो पार्टिकल नंबर ऑफ पार्टिकल बता रहे हैं, वॉल्यूम बता रहे हैं या वेट बता रहा है? मुझे ये बताओ क्या बता रहा है वो. अगर क्वेश्चन में लिखा है इतने मॉलिक्यूल्स हैं, इतने एटम हैं, वो पार्टिकल का अमाउंट बता रहा है, नंबर ऑफ या वेट बता रहा है या वॉल्यूम बता रहा है? तीनों में से किसका इन्फॉर्मेशन दे रहा है? सर आपकी हमारी आवाज जा रही है? आवाज कट करके आ रही है. How many moles present in given volume 2 to 40 liter of carbon dioxide gas? Second, 2.0448 liter of N2 gas. Third, 4.48
ml of neon gas fit four point four into 10 to the power 10 centimeter cube of iodine gas. चलो सॉल्व करो जल्दी से क्वेश्चन. न्यू स्टूडेंट लोग सुन लो भैया फॉर्मूला. अगर वॉल्यूम गिवन है, लीटर में गिवन है, तो यहाँ पे दिख रहा होगा बी वाला. न्यू स्टूडेंट मोल निकालने का फॉर्मूला होता है, अगर ml में गिवन है तो 2 to 400 से डिवाइड करेंगे. अगर लीटर में गिवन है वॉल्यूम तो डिवाइड करेंगे 22.4 से. तो आप भी सॉल्व कर सकते हो सीधा फॉर्मूला यूज करके. मोल क्या होता है वो सब ध्यान मत दो, मोल का फॉर्मूला है ये, तो वैल्यू रख के सॉल्व करो. अगर ml में है तो 2 to 400 से डिवाइड करना है, अगर लीटर में है तो 22.4 है. जल्दी सॉल्व करो बेटा. तो सब में वॉल्यूम गिवन है, तो वॉल्यूम किसमें भाई देखो, यूनिट किसमें गिवन है, लीटर में. तो लीटर में तो कैसे डिवाइड करना है भाई, 22.4 से. चाहे स्टूडेंट नया हो या पुराना हो, फॉर्मूला आपके सामने पड़ा हुआ था ये, इस फॉर्मूले से यूज करके सॉल्व करना है. सबसे सॉल्व होता 2240 डिवाइड बाई 22.4 कितना आएगा भाई बताओ. 100 वेरी गुड. उसके बाद फिर से वही है भैया 0.448 लीटर है तो 22.4 कितने से डिवाइड होगा, 2 times मिल जाएगा, लेकिन कितना बोलो. 0.02 वेरी गुड. उसके बाद फिर से वही भैया वॉल्यूम किसमें है, ml में है. तो अब क्या होगा मोल इक्वल टू 4.48 डिवाइडेड बाय 2 to 400. कितना आएगा बताओ. 0.002 ये आया. यस सर. उसके बाद फिर से ml मतलब क्या होता है भाई, सेंटीमीटर क्यूब मतलब भी क्या होता है, ये याद रखना पड़ता है. ml मतलब 4.48 into 10 to the power 10 ml है तो कितने ऐड करोगे, 2 to 400. तो सॉल्व करते कितना आएगा भाई, 4480 यहाँ कम इंटू 10 to the power 6 ऐसा लिख सकता हूं मैं. Yes. हो सकता है 1 2 3 4 ठीक है चार चलो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते भाई. यस सर दोनों अलग है क्या, तो ये 2 times आएगा तो आंसर कितना आएगा. होगा कि नहीं बोलो. आया आंसर सबको यही 2 into 10 to the power 6. तो मेरा आंसर 0.2 into 10 to the power 7 आएगा. 0.2 आया तो 10 की पावर में 7 ही आएगा. हाँ सही है, ऐसा लिखते हो ना तो अलग थोड़ी है, दोनों तो एक ही है ना. सर फिर एग्जाम में कौन सा आंसर चूज करना है इन दोनों में से. एग्जाम में आपको दोनों में से कोई एक ही आंसर देगा, और एग्जाम में जनरली साइंटिफिक नोटेशन में दिया रहता है आंसर. साइंटिफिक नोटेशन मतलब डेसिमल एक डिजिट के बाद होता है, ठीक है ना. दोनों करेक्ट है.
दोनों नहीं देगा, दोनों देगा तो कुछ ऐसा ऑप्शन देगा वहां के दोनों एक साथ लिया जा सके। क्लियर है सभी को? यस सर। तो ये था क्वेश्चन, तो फॉर्मूला याद आएगा तो क्वेश्चन इजिली सॉल्व हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करो। तो कल से इसका एप्लीकेशन स्टार्ट स्टार्ट होगा, तो जितने भी न्यू स्टूडेंट है सबको ये समझ में आना चाहिए मोल होता है क्या है एंड कैलकुलेशन ऑफ मोल के फॉर्मूले क्या क्या है, रटा होना चाहिए तब कल का क्लास समझ में आएगा। नहीं तो हम पहले बता दे रहे हैं, अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखोगे कल वाला कि मोल कैसे कैलकुलेट किया जाता है तो कल के क्लास में अच्छा खासा तकलीफ होने वाला है लोगों को जितने भी न्यू हैं। तो प्लीज देख लेना वो वीडियो। तो क्लास जैसे कंप्लीट होगा हमको क्या करना भाई, मैसेज कर देना, हम तुमको लिंक फॉरवर्ड कर देंगे, मैसेज क्या ग्रुप में एक बार फिर से लिंक फॉरवर्ड कर देंगे पूरे का, देख लेना वहां पे, ठीक है ना। चलो कुछ क्वेश्चन और करते हैं। हाउ मैनी ग्राम पार्टिकल प्रेजेंट इन गिवन क्वांटिटी, हाउ मैनी ग्राम पार्टिकल प्रेजेंट इन गिवन क्वांटिटी। हाउ मैनी ग्राम पार्टिकल प्रेजेंट इन गिवन क्वांटिटी। फर्स्ट 6.02 into 10 to the power 20 atom of xenon, second 1 8 हाँ बेटा मेरी स्क्रीन अटक रही है, मैं डबल से ज्वाइन करता रिफ्रेश करके। जी बिल्कुल, मैं बाहर जाके डबल अंदर आता सर। हाँ बेटा molecules of CH4. molecule of P4. ये तीन क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व करो। देखो करना क्या है, यहाँ पे पूछा क्या भाई ग्राम पार्टिकल, तो कंफ्यूज करने के लिए ये वर्ड होता है ग्राम पार्टिकल बोले, या फिर यहाँ पे क्या भाई एटम, तो इसको ग्राम एटम भी बोल सकते हो, और यहाँ पे ग्राम एटम का मतलब होता है मोल, ये कंफ्यूज करने का टर्म है। वैसे यहाँ पे ग्राम पार्टिकल बोला है, या फिर पार्टिकल कौन सा है यहाँ पे मॉलिक्यूल के फॉर्म में, तो ग्राम मॉलिक्यूल इक्वल टू मोल, तो सब में मोल कैलकुलेट करना है आपको। वैसे यहाँ पे क्या है भाई ग्राम पार्टिकल, तो यहाँ पे क्या है भाई पार्टिकल के फॉर्म में क्या गिवन है मॉलिक्यूल, तो ग्राम मॉलिक्यूल मतलब क्या फाइंड आउट करना है मोल। करो सॉल्व। तो समझ में आया ग्राम पार्टिकल मतलब क्या फाइंड आउट करना है। इस क्वेश्चन को कराने के पीछे यही हमारा था कि ये इन्फॉर्मेशन तुमको पता चल जाए, ग्राम पार्टिकल बोले या ग्राम एटम, मॉलिक्यूल से तो ग्राम मॉलिक्यूल बोले उसका मतलब ही क्या होता भैया मोल, तो क्या होगा यहाँ पे कितने मोल कैसे निकालते भाई जब पार्टिकल की बना, तो न्यू स्टूडेंट लोग फॉर्मुला याद रखना, उसमें मामला होता है गिवन नंबर ऑफ गिवन पार्टिकल मतलब 6.02
0.02 × 10^20। और एवोगैड्रो नंबर मतलब यही होता है 6.02 × 23, मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल इन वन मोल। तो ये और ये कैंसल हो जाएगा, ये सॉल्व का तो कितना आएगा 10^-3। आया सभी का 10^-3 आंसर? यस सर। यस सर। यहाँ पे देखो 1.806 × 10^25 नंबर ऑफ पार्टिकल कितने से डिवाइड करना है 0.2 6.02 × 10^23 से। तो देखो यहाँ पे ये कितने टाइम्स में जाएगा, हाँ ये 0.3 में जाएगा, ठीक है ना, 0.3 × 10^-2। यहाँ पे बोल सकते हो क्या 30 तो ना 30। इसमें देखो नंबर पार्टिकल 1.204 × 10^13, एवोगैड्रो नंबर कितना होता है 2 × 10^23। तो ये कितना आएगा 0.2 × 10^-10। ये सॉल्व करो तो कितना आएगा 10 आएगा 10^-10। या फिर इसी को बोल सकते हो साइंटिफिक नोटेशन में 2 × 10^-11। दोनों सही है, आंसर इस फॉर्म में जनरली मिलेगा। तो इस क्वेश्चन के पीछे कराने का मेन मकसद हमारा क्या था कि आपको ये पता चल जाए ग्राम पार्टिकल मतलब है ग्राम मोल एटम और उसी को बोल रहे मोल। अगर मॉलिक्यूल्स बोला तो उस ग्राम पार्टिकल को हम ग्राम मॉलिक्यूल्स भी बोल सकते हैं, मतलब मोल। तो गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर, तो उससे निकल जाएगा पार्टिकल्स है। तो क्लियर है भाई, हमने वेट गिवन था तो भी मोल फाइंड आउट कर लिया। बेटा माइक म्यूट करके रखो। वेट गिवन था तो भी, वॉल्यूम गिवन था तो भी, नंबर ऑफ पार्टिकल गिवन है तो भी। क्लियर है सभी को? यस सर। यस सर।